फ्रेंड्स, रात में ना काफ़ी लेट हो गया आने में, और फिर रात में ही मैं देखी थी गिफ्ट क्या था, लेकिन मैं खोली नहीं थी इसे, मतलब खोली थी देखी थी लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाई थी। तो एक बहुत ही प्यारा सा फ़ोटो फ्रेम मिला है मुझे गिफ्ट में, तो अभी मैं फ़ोटो ढूंढ रही हूँ हम लोगों का फैमिली फ़ोटो को लगा कर, फिर मैं दिखाती हूँ। अभी फ़ोटो ढूंढ रही हूँ क्योंकि शिफ्टिंग की वजह से ना इतना सारा कैरी बैग था जिसमें क्या क्या मैं रखी थी मुझे याद नहीं है, तो अभी ढूंढना पड़ेगा मुझे। वही भी ढूंढ रहे हैं कि किसमें फ़ोटो है हमारा, फिर उसको लगा के मैं दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है। ये आंटी कितनी क्यूट है, वर्षा बोल रही है। ये वर्षा दी है जी, ओके। और ये एक लेटर लिख के दी है आर्या ने, क्या बोल बोल के, हाय हैप्पी बर्थडे आंटी, मैनी मैनी विशेस टू योर बर्थडे, यू लुक रियली ब्यूटीफुल टुडे लाइक ऑलवेज, थैंक यू फॉर रीडिंग दिस लेटर एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू आर्या। वाह, थैंक यू। पता है इस बच्चे को ना सबसे ज्यादा मैम प्यार करती है। हां, चुम्मा भी देती है। क्या खाओगी तुम लोग? चॉकलेट। हां, मैं इनको बताया था कि चॉकलेट थे वो लाए थे। स्वीट नहीं खाओगी? स्वीट भी बहुत सारा। स्वीट कौन सा खाती हो आप? आगे मैं इनको ना सारे एक एक चॉकलेट दे दीजिए प्लीज। मैंने उसमें से दो चॉकलेट ट्राई करने, एक डार्क चॉकलेट और एक था फ्लेवर स्पेशल। अब पता है एक ना राउंड शेप में आने वाले टेडी बेयर शेप का है, और मैं तुम्हें दिखा दूंगी। मैं भी लाऊंगा साथ में। तो अभी ये लोग खा लिए हैं, शायद प्लेट खाली हो गया। हाँ, अच्छा लगा चॉकलेट? तो अभी मैं इन लोगों को मिठाई दी थी, काजू कतली था और क्या था, गुजिया। चॉकलेट कौन कौन सा था ना? एक फेरो रोशे का दूसरा वर्जन था, इसमें पूरा चॉकलेट भरा हुआ रहता है, और एक डार्क चॉकलेट है, इनको कड़वा लगा। डार्क चॉकलेट थोड़ा सा कड़वा रहता है या? नहीं, दो दो डार्क चॉकलेट, एक अमूल का होता है और एक नॉर्मल। अमूल वाला नहीं होता है कड़वा। ये वो कौन सा होता है, बॉन्ड क्या होता है? हाँ, वो थोड़ा सा कड़वा लगता है, वैसा ही होगा ये भी। कल पार्टी दी थी आर्या को? नहीं दी थी। अच्छा, तो ये जो बीच में है ये है आर्या, और कल तनीषा, और ये दोनों खूब पार्टी किए हैं, पता नहीं क्या क्या लेकर गई थी पापा से खरीदवा कर। मम्मी का बर्थडे में बच्चे लोग भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं आजकल। तो ये बोली कि तुम्हारी मम्मी का बर्थडे तो हमें पार्टी नहीं मिलेगा, तो कल तनीषा पापा से पता नहीं क्या क्या खरीदवाई ग्रॉसरी से और लेकर गई थी उसके घर, उसे खिलाए। आज जब भी ये लोग आए हैं तो वो गिफ्ट लेकर आए हैं, और अरे बाप रे, हटो तो वो नीचे जो गिरा है चॉकलेट उठा लो बेटा। मेरा नहीं है वो, तुम्हारे घर में तो गिरा है ना, इसको खा के उसको उठा लो, चलो हटो। मेरा घर नहीं है ये, अरे हटो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? अभी रात का खाना जस्ट मैं बनाने के लिए किचन में घुसी, हस्बैंड बोले कि ना मैं बनाता हूँ तो सब्जी वो बनाए, फिर रोटी बस बनाने के लिए मैं घुसी, 10-15 मिनट में पूरा एकदम भींग गई मैं, एकदम पसीना पसीना। इतना गर्मी है ना, इतना प्रचंड गर्मी है कि एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और पता नहीं ये हॉल में एसी लगेगा भी नहीं लगेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कब लगेगा, कब जो आएगा। और यहाँ का फैन चला के ना, मतलब तन्नू बैठी थी खा रही थी, बाप रे, मतलब अभी रात का समय है और रात में भी लग रहा है कि आग फेंक रहा है पूरे घर से, एकदम मैं तो पूरा भींग गई हूँ, भींगा रहा है मेरा पेट है। तो मज़ा आया आज खाना बना के किचन में? गोरे हो गए। हाँ, पसीना होता था, आदमी गोरा हो जाता है। पसीना आए और उसको तो उसको अच्छी बात है ना कि आप डेली ऐसे थोड़ा गोरे होगी तो गोरे हो जाएंगे। सपोर्ट कभी कभी किया है हमने, लाठी मत बनाई है हमको अपना। बाप रे, लाठी हम क्यों बनाएंगे आपको, हमको उसी लाठी से मार खाना है क्या? पकड़िए इसको, ऐसे कभी कभी बना दिया कि जब पूरा देख रहा है पीठ। नहा लीजिएगा, क्या आप झूठा साथ बना लेंगे। बोल दी कि हाँ एसी लग जाएगा, एसी लग ही नहीं रहा है इनका। अब एसी आके रखा हुआ दिखा दे। देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये एसी रखा हुआ है, अब कुछ कारण है कि नहीं इंस्टॉल हो रहा है, अब क्या बोला जाए। हे गाइस, वेलकम बैक टू आशीष कुंदा ब्लॉग। तुम नहीं लगाई हो लिप बाम? ये इसको जैसे देखेंगे तो देख लग रहा है लिप बाम लगाई है। नहीं,
तो आज है फादर्स डे, तो हैप्पी फादर्स डे। मुझे बोलना चाहिए हैप्पी फादर्स डे। मैं भी विश कर सकती, ऐसा नहीं कि तुम ही करोगी। नहीं, तुम्हारे पापा ने तुम ही करोगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही होता है, फादर्स डे। तो मैं इनको बोलेगी चलिए फादर्स डे पे हम चलते हैं कुछ बाहर खा पे के आते हैं। अरे बहाना चाहिए खाने का, नहीं नहीं आज फादर्स डे, कल मदर्स डे, तो दादी डे, नानी डे। एक्चुअली अभी हम लोग जा रहे हैं ना एसी लेने के लिए, हॉल में बहुत गर्मी, मतलब इतनी गर्मी है ना कि एकदम बैठा नहीं जाता। और आप बेडरूम में कितना देर तक बैठे रहेंगे एक जगह पर? तो वही मैं इनको बोली कि यार आप चलिए, मतलब बहुत कितने दिनों से मैं बोल रही हूँ, लेकिन ठीक है नहीं हो रहा था। लेकिन आज मैं बोली कि चलिए पहले हम लोग देखते हैं, और अगर ऐसी मिल मतलब हो जाता है तो पहले ले आते हैं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर है। इतनी गर्मी है ना, भीषण गर्मी है कि मतलब रात में 11 बजे 12 बजे भी ना अगर फ़ैन चलाओ हॉल में, तो लगता है कि ना जो सीटा वाला घर नहीं होता है, जो ऊपर क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं सीटा को, और भी क्या है दूसरा नाम है, हाँ खपरा, सीटा को नहीं कहते हैं आप तो, और महान इंसान है, हाँ अल्वेस्टर कुछ कहते हैं। तो वैसा लग रहा है कि उस पे उस रूम में है 12 बजे 11 बजे रात में भी, अगर उस दर हॉल में जाके अगर फैन चला रहे हैं तो वैसा लग रहा है। तो हम बोले हम रह ही नहीं पा रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं तो ऐसे 5 मिनट के लिए घुस रहे हैं किचन, टप 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 से ना, कम से कम हॉल में रहेगा ना, तो हॉल ठंडा रहेगा तो किचन से भाग के हॉल में जाएंगे, कम से कम राहत होगा। तो इनको जबरदस्ती बोलेगा आज चलिए, आज देखते हैं अगर हो जाता है तो ले के आते हैं ऐसे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि इनको कुछ काम, मतलब जब तनु को रेडी, मैं तो पहनी हुई थी ऑलरेडी, ये वाला ड्रेस ऑलरेडी मैं पहनी हुई थी, लेकिन जब तनु को रेडी करे तब ये बोल रहे हैं कि मेरे क्लाइंट आने वाले हैं साइट विजिट के लिए। हम बोले आप पागल हैं, तो पहले क्यों नहीं बोले, जब छोड़ देते हैं फिर। तो बोले कि चलो पहले खा लेंगे उसके बाद आएंगे ऐसी देखने, क्योंकि खाना खाने का समय हो रहा है 2:45। और बोले कि फिर अगर आएगा भी तो हम आ जाएंगे पहले, उसके बाद में शाम में देखेंगे चलेंगे फिर, हम बड़े जो करना कीजिए। तो अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं पहले क्या काम को पता है, और उसके बाद फिर आप लोग साथ बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों को लेकर आए हैं सिटी पार्क, बोकारो का जो सिटी पार्क है वहाँ। तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है डेफोडिल, जो कि पहले भी एक बार हम लोग यहाँ जब से आए हैं ना दिल्ली बोल रहे हैं, बोकारो आने के बाद ये सेकेंड टाइम है हमारा। तो यहाँ पर लोग आते हैं फोटो शूट करवाने, है ना जी, है एक दो रील देखते हैं ना जिस टाइप है। तो बोकारो में क्या क्या घूमने वाला जगह है और क्या क्या है, तो उसमें यहाँ दिखाता है कि बोकारो में बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन फोटो खिंचाने के लिए हम लोग यहीं आते हैं। तो पहले और भी बहुत सुंदर सा था ये, लेकिन पता नहीं इधर, हाँ जो भी है चलिए देखते हैं। हाँ आज का थोड़ा सा बाहर का देखने में तो अच्छा लग रहा है, धूप कम है। तो अभी हम लोग ऑर्डर देके और बाहर आ गए हैं, हम और तनु, हम लोग यहाँ रील बना रहे हैं। तो धूप भी है लेकिन थोड़ा सा यहाँ अच्छा है, ग्रीनरी है, तो थोड़ा सा आ गए हम लोग रील बनाने के लिए। ये बोली कि वहीं चलो ना, हाँ उधर छाँव भी है, तो उधर ही जा रहे हैं अभी, क्योंकि खाने में तो फर्स्ट लगेगा ही 15-20-25 मिनट, तब तक कुछ रील बना के आ जाते हैं हम लोग। तो अभी हम लोगों को आइसक्रीम दिलवाए, खुद नहीं लिया, कितना मैं बोले कि ले लीजिए, नहीं 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 क्या, आज मुझे कुल्फी खाने का बहुत मन कर रहा था। ये अच्छा लग रहा, बहुत ज़्यादा मीठा रहा नहीं है, खाइएगा। अभी केक लेके चले, केक भी क्रैकरी शॉप है ना, क्या नाम है, मैं पकड़ूंगी नहीं किसी का, खा जब केक सही बोल रहा है तो केकरी का ही खराब बोल रहा है, क्रैकरी क्रैकरी कर रहा है, केक मेरी छोड़ दीजिए, हो गया। क्या नाम दुकान का, फिर से बोलिए, अभी क्या बोलिए, छोड़िए। हाय तनु, शैतान यहाँ मैं ढूंढ रही हूँ।
तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर केकरी शॉप और यहाँ से लेना है केक। पतिदेव को हम लोग गाड़ी में ही बैठा दिए हैं और खुद जाके ले रहे हैं क्योंकि आज फादर्स डे है। मदर्स डे में आपको क्यों नहीं लाएंगे? हाँ आपके यहाँ लिखा हुआ है हैप्पी फादर्स डे। आप पापा को ना मेरा गिफ्ट मत बताइएगा। आप पापा को मेरा गिफ्ट मत बताइएगा। तुम्हारा गिफ्ट क्या है? देखिए मैं ना दो कप लूँगी, ठीक है, और एक येलो पेपर। दूर रहो, बहुत बड़ी दिख रही हो। और एक येलो पेपर और कुछ गिफ्ट। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं, लाइव सेशन अभी हमारा हो गया है और करीब 10:15 बज रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं छत से ही उनके घर और अंधेरा हो गया। इधर दिखाना बेटा। तो अभी उनके घर जाके फिर ब्लॉग में बनाती हूँ। अभी छत पे बहुत अंधेरा है। तो यहाँ भाभी बनाई है सत्तू भर के पूरी। बहुत ही टेस्टी लग रहा है और इनका ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये है केक, द फादर्स डे। आपका कुछ है? पापा से बात करूं? पापा से आज पापा का दिन है। पापा दिन है आज, बताइए। आज पापा दिन है, कुछ बोलिए। कुछ तो बोलिए। क्या क्या कुछ बोलिए। पापा दिन के दिन पापा कुछ बोले नहीं, आप ही बोल दीजिए। अरे यार ये रहा केक। आपको केक कैसा लगा? मेरे पसंद का है ना। नहीं ठीक है, मम्मा फोटो खींचते हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर केक आ गया है और दो दो पापा लोग हैं। एक तनिषा के पापा और इनकी बच्ची यहाँ। तो वही मैं सोची कि साथ में ही सेलिब्रेशन कर लेंगे सबको, तो अच्छा लगेगा सबको। तो कैंडल जलाते हैं और केक कटिंग करवाते हैं। वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा सा आप उसको बस ऐसे थोड़ा सा दीजिए ना, फिर से फोटो नहीं लिए थे। फोटो अभी तनिषा बोल रही है कि यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। तो यहाँ तो मिरर में भी मैं दिख रही हूँ, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा लगता है। सबसे टॉप फ्लोर है, हमारे का भी व्यू अच्छा है। बट हाँ ऐसे ना, मतलब हम लोग लेट कर भी है। अच्छा खाओ खाओ खाओ। ऐसा है जी, खाना बहुत अच्छा बनाती है भाभी खाना। फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए। खाना पीना खा के बहुत टेस्टी खाना था, लेकिन बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी लगा खाना। कैसा लगा बेटा? कैसा था? अच्छा था। तो फ्रेंड्स चलिए आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।